କରୋନା ଭାଇରସର ବିପଦକୁ ଦେଖି ଭୋପାଳ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ 3000 କଏଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି 2 ଆଇସୋଲେସନ। 3000 କଏଦୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ଜବଲପୁରର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଜେଲ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋର ପଥରମାଡ଼ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। कोरोना के बचाव के मद्देनजर जनता को क्वारंटाइन किया जा रहा है और लगातार उनकी देखरेख भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की भोपाल सेंट्रल जेल ऐसी है जहां पर जो तमाम कैदी पहले से अंदर थे उनको क्वारंटाइन करने का काम किया गया है। उनकी देखरेख भी अंदर के जो चिकित्सक हैं वो कर रहे हैं। आइसोलेशन बोर्ड भी बनाया गया है। हमारे साथ जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो नए कैदी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई और पूरी जेल को क्वारंटाइन कर दिया ताकि कैदी सुरक्षित रहे और स्टाफ भी सुरक्षित रहे? जैसा कि हम जानते हैं जो COVID-19 है ये लोगों के संक्रमण का कारण मुख्य है, संपर्क में आना। जेल में हमारे पास लगभग 3000 कैदी अभी भी हैं। तो अभी तक को हमने ये व्यवस्था की थी कि जो नए कैदी आ रहे थे उनको हम 16 वार्ड अलग अलग बना दिए थे और प्रतिदिन की आमद को एक वार्ड में रखते थे 16 दिन तक। अब कलेक्टर साहब और डीजी साहब के निर्देश अनुसार हम लोगों ने जो जिला जेल है अरेरा हिल्स पे वहाँ के एक सेक्टर को चालू कर दिया है और आज से जो नए कैदी आएंगे उनको अगले 1.5 महीने 2 महीने तक हम जेल में केंद्रीय जेल में प्रवेश नहीं देंगे। उन कैदियों को हम वहीं रखेंगे। वहाँ हमने स्टाफ डिपुट कर दिया है, एक ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी है और बेसिक व्यवस्थाएँ कर दी है ताकि यहाँ किसी भी नए कैदी का आगमन न हो सके और कोरोना फैलने की संभावना को और कम किया जा सके। कह सकते हैं कि क्वारंटाइन पे, हाँ, क्वारंटाइन या लॉकडाउन, इस जेल को लॉकडाउन भी बोल सकते हैं कि अब यहाँ नए कैदियों की एंट्री अगले 1-1.5 महीने तक, जब तक स्थितियाँ ठीक नहीं होती तब तक नहीं दी जाएगी। चिकित्सक को लेकर क्या व्यवस्था आइसोलेशन? हमारे पास में डॉक्टर शर्मा जी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, प्लस जेल के अंदर ही जिन कैदियों ने पैरामेडिकल कोर्स किया वो है। तो इस तरह के कैदी जो सर्दी खांसी वाली है उनको अलग रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2 वार्ड हमने बिल्कुल खाली करा लिए हैं, उनको आइसोलेट कर लिया है, उनको हम लोगों ने सैनिटाइज कर लिया है। विशेष परिस्थिति निर्मित होती है तो हम उन वार्ड्स का उपयोग करेंगे। बिल्कुल, तमाम तरीके की सावधानियां जो है जेल के बाहर या जेल के अंदर रखी जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।